सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की जिन्हें अगर मुन्ना भाई MBBS मूवी में काम नहीं मिलता तो शायद बॉलीवुड में उनका करियर खत्म था। जिनके सर से बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया और वो अनाथ हो गए। जिन्हें किसी वक्त घर घर जाकर कॉस्मेटिक्स बेचने का काम भी करना पड़ता था, लेकिन आज वो बॉलीवुड की बेस्ट कॉमेडियन एक्टर की लिस्ट में गिने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार अरशद बारसी की। इस उम्र में शर्म आनी चाहिए आपको। ऊपर वाला भी आपसे 2 या 3 दिन ही बड़ा होगा। बुढ़ापे में बुढ़ापा आ रहा है और हरकतें इतनी गिरी हुई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो दोस्तों अरशद बारसी की इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1968 को, जब मुंबई महाराष्ट्र के एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम ऐसिक हुसैन बारसी है। अरशद बारसी की पढ़ाई नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से हुई है। इन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की और इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। दरअसल हुआ यह था कि जब ये 14 साल के थे तो इनके पिता का हड्डियों के कैंसर के कारण देहांत हो गया, और फिर इनके पिता की मौत के 2 साल के बाद ही इनकी माँ का भी देहांत हो गया, और फिर ये दोनों भाई अनाथ हो गए। वैसे इनके पिता की प्रॉपर्टी तो बहुत थी, लेकिन उस पर वहाँ रहने वाले लोगों ने ही कब्जा कर लिया और इन्हें अपना बंगला छोड़कर 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। फिर पेट की खातिर इन्होंने घर घर जाकर कॉस्मेटिक्स बेचने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने ये काम छोड़कर फोटो लैब पर जाना शुरू कर दिया, और यहाँ पर काम करते करते इनको डांसिंग में इंटरेस्ट हुआ और फिर इन्होंने अकबर सामी डांस ग्रुप मुंबई को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर ये डांसिंग के साथ साथ कोरियोग्राफी भी करने लगे, और 1987 में इन्होंने अपनी फर्स्ट 2 मूवी ठिकाना और काश में एज ए कोरियोग्राफर काम किया। फिर इन्होंने 1991 में इंडियन डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया और 4th प्राइज जीता। इसके बाद इन्होंने 1992 में वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप लंदन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और फिर वहां से लौटने के बाद इन्होंने अपना एक डांस स्टूडियो शुरू किया जिसका नाम था ऑसम। ये एक बार अपनी होने वाली वाइफ मारिया गोरेट्टी के कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट गए थे, और वहीं पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। फिर मारिया गोरेट्टी ने अरशद के डांसिंग स्टूडियो को ज्वाइन कर लिया और देखते ही देखते वहाँ की मेन डांसर बन गई, और इन दोनों में प्यार हो गया। फिर इन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा फिल्म के टाइटल ट्रैक में एज ए कोरियोग्राफर काम किया। अब अरशद बारसी को बॉलीवुड में एज ए कोरियोग्राफर फिल्मों में काफ़ी ऑफर्स आने लगे थे, और तभी जया बच्चन ने इनके काम से इम्प्रेस होकर इन्हें तेरे मेरे सपने फिल्म ऑफर की, और अरशद बारसी ने तुरंत उस फिल्म को करने की हामी भर दी। दरअसल उस समय अमिताभ बच्चन ने अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन कंपनी ABC यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन शुरू की थी, और वो अपनी फिल्म तेरे मेरे सपने के लिए फ्रेश एक्टर्स को ढूंढ रहे थे। और जब ये मूवी 6 दिसंबर 1996 को रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर रही, और इनकी इस फिल्म के आँख मारे गाने को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे, दिल धड़काए। इस फिल्म से इनके साथ साथ चंद्रचूर सिंह, प्रिया गिल और सिमरन ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद इन्होंने फिल्में तो बहुत की, लेकिन वो उस तरह का बिजनेस नहीं कर पाई जिसकी उनसे उम्मीद थी। फिर इन्होंने टेलीविज़न की तरफ अपना रुख किया, और इन्होंने सारेगामा डांस रियलिटी शो और बिग बॉस के फर्स्ट सीजन में भी काम किया। फिर इनकी डूबती नैया को सहारा दिया 2003 में संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने। इस फिल्म में इन्होंने सर्किट का रोल अदा किया था, और इनके इस रोल को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। अरे वो नोट वाला, करेक्ट वो। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बिडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन्हें कॉमिक रोल से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्होंने लगे रहो, मुन्ना भाई, गोलमाल, धमाल, डबल धमाल, जॉली LLB, गोलमाल अगेन और टोटल धमाल जैसी कई सुपरहिट फिल्में की, और बहुत से अवार्ड अपने नाम किए। इनकी जॉली LLB पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें पूरी फिल्म का बोझ इनके कंधों पर ही था, और इनकी ये फिल्म भी सुपरहिट रही, और इस तरह अरशद बारसी ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ही ली। अगर दोस्तों बात करें इनकी मैरिज लाइफ की, तो इनकी शादी मारिया गोरेट्टी से 14 फरवरी 1999 को हुई थी,
इनकी लव मैरिज हुई थी और इनके दो बच्चे भी हैं। इनके बेटे जैक बारसी का जन्म 10 अगस्त 2004 को और इनकी बेटी जेन जॉय बारसी का जन्म 2 मई 2007 को हुआ था। दोस्तों अरशद बारसी अपने स्कूल डेज में नेशनल लेवल के जिमनास्ट भी रह चुके हैं। दोस्तों अब इनकी फ्रॉड संयम मूवी आने वाली है जिसमें ये 13 औरतों से अलग अलग शादी करते हैं, जो कि एक कॉमेडियन फिल्म है। तो दोस्तों ये थी अरशद बारसी के लाइफ की मोटिवेशनल स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।